और ये देखो भाई, ये था मैच कांटे और टक्कर का। ये मैच था जिसे मैच बोलते हैं, प्रॉपर मैच कांटे और टक्कर का मैच, जैसे आप बोलते, दोनों तगड़ी टीम थी एकदम। बंगलोर उनके साथ बाबू और त्यागी दोनों ओपनर इस समय बीच मैदान पर, सॉरी, और इस समय अभिषेक उनियाल बाबू के लिए ये गेंद, और इस समय गेंद छह रन के लिए टीम मिट्टी से उन्हें लंबा कदम तेज कदमों के साथ भागते हुए अंपायर को उन्होंने क्रॉस किया इस बार, और टप्पा खाने के बाद गेंद काफी लंबा हिट और गेंद लगभग बॉल लाइन से काफी ज्यादा बाहर, छह रनों के लिए लाख होते हैं समय और की गेंद बहुत अच्छी गेंद त्यागी के लिए, अच्छी गेंद फिर से तैयार गेंद और छक्का वहां पर त्यागी चलते हुए रोशन दांगड़ भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और समय गेंद को निकाला फील्डर गेंद के नीचे है और देखना है कि मैच छिटक चुका है, पर एक महत्वपूर्ण जीवनदान भरोसेमंद खिलाड़ी हैं समय गेंद, और हल्का सा गेंद को निकाल दिया दो खिलाड़ी के बीच में, गेंद बॉल लाइन के आसपास जाती हुई चार रनों के लिए। तो इस तरह से धीरे धीरे स्कोर में वृद्धि, हमारे स्कोरर नीरज बीस हमको बराबर दिशा निर्देश करते हुए, और इस समय कॉमेंट्री बॉक्स में फिर से तैयार राहुल वर्मा पिंटू विश के लिए गेंद, और फिर से आउटसाइड तरफ, और इस तरह से कैच आउट वहां पर फील्डर द्वारा ओवर का खेला जाएगा इस समय त्यागी भागते हुए, और इस समय लॉन्ग गेंद को स्टेट छक्का, गेंद जो है जलपुर गार्ड की तरफ से धन्यवाद होते हैं, काफी धुरंधर होते हैं इस समय अवश्य की ये गेंद, और बहुत अच्छी गेंद यॉर्कर गेंद पैड में टकराई, और अगर इस टीम को अपनी टीम के लिए कुछ करना है तो, और सामने बैट्समैन बयान के इस बार लॉन्ग गेंद को खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन गेंद बाउंड्री के आसपास जाती हुई रामू जो है गेंद के पीछे भागते हुए आसानी के साथ तोरणपुरी के वहां पर खिलाड़ी त्यागी ने गेंद काफी स्टॉप में, आप मैच को खेलें जारी रखें। सनी फिर से तैयार सामने वाले छोर से सामना करेंगे वहां पर त्यागी, इस बार एक गेंद बल्ला चलाया और फील्डर नीचे है और इस तरह से ट्रिपल फॉर इस समय, और गेंद को उड़ा दिया है बड़े स्कोर के और बढ़ती हुई यहाँ पर लंबों की टीम के साथ हादसे के लिए, और कुछ नहीं कुछ नहीं लंबा छोर से भागते हुए अंपायर को क्रॉस किया इस पर समय, गोलो धीरे धीरे कदमों के साथ अंपायर को क्रॉस करते हुए इस बार बल्ला चला गोलो को हिट और गेंद लंबा बार के तरफ छह रन के लिए, बहुत लंबा छक्का इस समय बैट्समैन मोहम्मद कार के बल्ले से निकालता है डाबर लाल दबल छक्का, बड़ी लंबा अपने एक अच्छे स्कोर के लिए बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है, और इस समय गोलो के हाथ में फिर से चले गेंद के लिए लाइट भागी थी और समय फिर से गोल तैयार अब इसे के लिए ये गेंद इस समय लंबा हिट लेग स्टंप के ऊपर से लॉन्ग गेंद को छह रनों के लिए
इसी छक्के की मदद से स्कोर जा पहुंचा और बहुत अच्छी गेंद 76 रन यह मुकाबला बहुत ही खतरनाक होते हुए इस बार कमाल इस तरह से फॉर्मर की तरफ बिल्कुल महत्वपूर्ण विकेट वहां पर गोल्डी राणा यहाँ पर 10 नंबर की जर्सी पहने हुए सामना करेंगे वहां पर अविनाश की गेंद का और बल्ला फिर से चलाया तेजी के साथ एक रन पूरे किया और मैं समझता हूँ एक रन से संतोष होना पड़ेगा खिलाड़ी को होना चाहिए इस समय बोलू समय लौटे गेंद को इस समय अविनाश इस बार गेंद हर बार की तरफ भागे तेजी के साथ पूरा किया और दूसरा रन पड़ता पर खिलाड़ी ने 4 रन यारे को और इस तरह से अभिषेक के लिए गेंद और गेंद लगा बहुत ही लंबा हिट है 6 रन के लिए इस समय अविनाश अभिषेक के लिए गेंद धीरे धीरे कदम के साथ फिर से पता चला यहां पर खिलाड़ी मौजूद है कैचा नहीं आ रहा सकता है इस तरह से कैचा आउट अच्छा विकेट होगा चलता है दूसरा विकेट है अविनाश नए बैट्समैन गोपाल पहली गेंद पर जो है एक रन जुड़ाया अच्छा स्कोर खड़ा हो जाएगा इस समय फिर से तैयार ठीक है और टकराया गेंद तो हेडर की तरफ से सामने से पता नहीं कहां है पूरी गेंद लग रही पहला रन तेरे के साथ पूरा किया और सब तक झोंक रहे हैं मसाले के साथ जो है इस तरह से और इस बार ये गेंद कितनी अच्छी गेंद है पहला रन तेजी के साथ पूरा किया गोल्डी ने दूसरे रन के भागने चाहते हैं लेकिन दूसरा रन पूरा किया तीसरे रन के लिए खिलाड़ी भागते हैं और आसानी के साथ मुझे लगता है कि भागते हुए अगर 4 रन पूरे किए तो इस तरह से निर्धारित 12 ओवर में 170 रन बनाए हैं और 118 रन का टारगेट पूरा किया हमारे रोना टीम को वर्मा के लिए और ये दूसरी गेंद लेकर चले और ये पहला ही छक्का छक्के से खाता खोला यहाँ पर वर्मा ने बहुत ही लंबा छक्का शायद नदी में जाकर गिरेगी ये बॉल बैक टू बैक छक्के वर्मा के लिए व्हाइट बॉल और ये दूसरी बॉल लेकर चले और एक और लंबा छक्का वर्मा के लिए वर्मा ने वहां पर और भी वो चले नीरज के लिए पहली बॉल और पिंटू वहां पर गेंद को फील्ड करेंगे लेकिन बॉल उनको अभी तक नजर नहीं आई और ये 2 रन पूरे कर लिए और टीसीसी के साथ 3 रन भी पूरा करेंगे काफी खराब बॉल पे नजर रखनी होगी अगर और देखते हैं इस गेंद पर क्या कर पाते हैं और बहुत खराब गेंद बहुत ही ज्यादा खराब गेंद और उसका पूरा फायदा उठाया और अच्छा शॉट रिवर्स से खेला और मिंटू मिश्र वहां पर गेंद को फील्ड करेंगे अच्छा ओवर लेके अपने कोटे का पहला ओवर लेके चले गोल्डी और अच्छी बॉल बहुत अच्छी बॉल काफी स्लो बॉल डाली थोड़ा महंगे साबित हुए थे अपने पहले ओवर में देखते हैं इस ओवर में क्या कर पाते हैं विकेट लेनी होगी अगर ये बल्लेबाज 10 ओवर खेल गए तो मैच पूरा रोने की साइड ले जाएंगे लेकिन लखनऊ में भी काफी अच्छे बॉलर हैं और एक और शॉट देखते हैं क्या होता है शॉट में खराब आउट के कारण बॉल वहीं रुक जा रही है और
दूसरा तीसरा पूरा किया चौथे के लिए थोड़ा सा खाते थे, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर गोपाल की ओवर भी अगर और एक और शॉट और ये छक्के के लिए काफी अच्छा शॉट, काफी अच्छा शॉट एक बार फिर से और ये कैच हो गया। काफी महंगा पड़ सकता है ये कैच, काफी महंगा पड़ सकता है। और भी रह गए तो मैच अच्छी अच्छी और पहला विकेट जाता हुआ रोना टीम का यहाँ पर, काफी अच्छी गेंदबाजी, काफी अच्छी गेंदबाजी। 18 रन जीत के लिए चाहिए रोना टीम को। विकेट चली जाएगी तो बहुत बड़ी स्थिति जो है पैदा हो सकती है। समय गेंद नेक्स्ट स्टंप से काफी ज्यादा बाहर और एक व्हाइट के रूप में रन को क्रॉस किया। ये गेंद और रोशन रावत से छिटकती हुई एक रन आसानी के साथ पूरे किया। दो रन पर बल्ले खिलाड़ी और आसानी के साथ दो रन भी पूरे किए। गेंद पर धीरे धीरे कदम कैसे होते इस बार बल्ला चलाया, गेंद जो है गेंद विकेट की तरफ जाती हुई चार रनों के लिए। लंबो टीम को इस बार गेंद को निकाल दिया है और गेंद के पीछे पिट्टू बीच भागते हुए पहले रन तेजी के साथ पूरे किया और गेंद को ढूंढते हुए जब तक दूसरा रन भी पूरा किया और गेंद फिर आ चुकी है ऊपर, लेकिन अभी भी खिलाड़ी अश्विन की तैयारी में उस समय खतरा हो सकता है ऊपर। और इस तरह से अच्छी रनिंग भी करते हुए खिलाड़ी के लिए टोल करने के साथ भागते हुए गेंदबाज इस समय गेंद टप्पा खाने वाले खिलाड़ी और गेंद के नीचे खिलाड़ी है। इस तरह से सुपर कैच टप्पा महत्वपूर्ण विकेट देता है। निर्णायक होगा इस समय गेंद, इस बार बल्ला चलाया गेंद सीधे लगभग छह रन के लिए ऊपर दर्शक तेज कदम के साथ भागते हुए अपना डेविड शेफर्ड को क्रॉस किया। सनी के लिए गेंद घुमा गया बड़ा ऑफसाइड की तरफ, खिलाड़ियों का तहलूर है जब तक गेंद को फील कर रहे हैं आसानी के साथ दो रन पूरे किए और दो रन से शुरू शुरू करेगा खिलाड़ी को अच्छी फीलिंग वाली सामना करेंगे सनी। इस बार भाग्या बहुत ही सभी के साथ गेंद चलिए उधर से काफी ज्यादा बाहर छह रनों के लिए काफी खूबसूरत छक्का और इसी छक्के की मदद से स्कोर में धीरे धीरे वृद्धि क्या पहुंचे स्कोर 91 रन और इस समय ये गेंद बहुत अच्छी गेंद बीच में चलता हुआ इस बार ये गेंद फिर से उड़ा दिया गेंद को, गेंद लगभग मूर्ति के आसपास जाती हुई और अंपायर के सहारे बाकी। अबे यार दो रन से सबसे सोना पड़ेगा जीत के लिए चाहिए कुछ भी हो सकता है। इस समय ये गेंद और इस बार बल्ला चलाया लेकिन फील्डर गेंद के नीचे है पर तेजी के साथ पूरा किया ये गेंद और इस बार उसी दिशा में गेंद को निकालते हुए एक रन से संतोष होना पड़ेगा। समय के लिए गेंद बल्ला चलाया और गेंद के नीचे खिलाड़ी है गेम कैच है ये जो छोड़ेगा ना भाई। अरे 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 बढ़िया लड़का बढ़िया
अरे अरे भाई भाई गुड गुड फील्डिंग। अरे यार अबे यही होता है लास्ट में ना होपलेस। अब बॉल है यार दोस्त आउट आउट नहीं कंधे पे लगी नहीं है नहीं है अरे हाँ यार उधर एक बॉल पे 6 रन चाहिए। अगर और इस समय क्या की तारीख ताली बजाके जीत गए टेंशन ना ले तुम लाश नो बॉल मत दिलवा देना। भाई ये बॉल डायरेक्ट गई और ये गया ओ और ये देखो भाई ये था मैच कांटे और टक्कर का ये मैच था जिसे मैच बोलते हैं प्रॉपर मैच कांटे और टक्कर का मैच जैसे आप बोल सकते दोनों तगड़ी टीम थी एकदम तगड़ी और ये मैच जीत लिया है लमगांव ने रोशन क्लब ने ना वही तो नहीं दोनों टीम अच्छी थी ना बहुत अच्छी टीम थी दोनों।